राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंग महोत्सव में सांसद संजय सेठ उपस्थित रहे। इस दौरान गरीब बच्चों को पतंग का वितरण भी किया गया। महोत्सव में सांसद संजय सेठ के साथ रांची के विभिन्न इलाकों से आए बच्चों के साथ परिवार के लोगों ने भी पतंगबाजी का भरपूर आनंद उठाया। मौके पर मौजूद सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमें निरंतर पतंग की तरह मानव जीवन काल में ऊंचाई की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम सब दही चूड़ा और पतंग उत्सव मनाते हैं। ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा रही है और ये परंपरा को कायम करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे तीज त्यौहार हमारे रिचुअल नहीं भूले, इसीलिए हम सब जन्माष्टमी में दही हांडी प्रतियोगिता करते हैं, होली में कवि सम्मेलन करते हैं, मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं। और ये पतंग एक विकास की पतंग है और ये पतंग की डोर है वो लंबी विकास की रेखा खींचे। और ये आज इस बार 12वां वर्ष है, 2 वर्ष कोरोना काल में नहीं हुआ और इसका उद्घाटन परम आदरणीय रामदेव बाबा जी ने आज से 13 साल पहले अरगोड़ा चौक में किया था, अरगोड़ा चौक के मैदान में, और वो निरंतर चलता रहा लेकिन 2 साल गैप हो गया और इस बार भी छोटे रूप में हम सब कर रहे हैं। एक मैसेज कि हमको भी विकास की उड़ान ऐसे ही करनी है जैसे पतंग की उड़ाई ऊंचाई, और ये पतंग जो आसमान छूती है विकास भी आसमान छुए, यही एक आज संदेश है। यह पतंग महोत्सव मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के त्योहारों को जीवित रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। यह आयोजन बीते 12 वर्षों से किया जाता रहा है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,